औरत नमाज में कितनी आवाज़ से किरात कर सकती है? मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो फजर मगरिब और ईशा की नमाज़ थोड़ी बुसी बुलंद आवाज़ से पढ़ती हूँ और जोर और सर की नमाज़ में इतनी आवाज़ निकालती हूँ जितनी मेरे कानों में सुनाई दे, लेकिन मेरे आस पास जो बहन भाई बैठे हैं इनको भी सुनाई दे देता है तो कैसे मेरी नमाज़ हो जाएगी या नहीं? नहीं, औरत के लिए जहरन तिलावत जायज़ नहीं है। आप सिर्फ इतनी आवाज़ से पढ़ें जैसे आपके कानों को सुनाई दे, इससे ज़्यादा ऊँची आवाज़ से आप नमाज़ ना पढ़ें। अगर आपने जहर कर लिया जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, या आवाज़ साउंड आपका निकलना शुरू हो गया, जो एक तो होता है ना हम जब बात कर रहे होते हैं बाज़ दफ़ा जो करीब होता है वो भी सुनाई तो दे रहा होता है, लेकिन उसको यही कहते हैं कि आहिस्ता तिलावत हो रही है ये। और एक होता है कि जैसे मेरी अभी आवाज़ निकल रही है, यानी इसको मैं अब कैसे बताऊं, हम जब सिर्री नमाज़ पढ़ते हैं ना, सिर्री नमाज़ तो भी बाज़ दफ़ा इतनी ज़ोर से होती है कि अड़ोस पड़ोस में अगर कोई सुना हुआ हो तो वो सुन रहा होता है, लेकिन फिर भी उसको सिर्री ही कहते हैं, जारी नहीं कहते। और जारी में बाकायदा गले से एक आवाज़ निकलती हुई महसूस होती है, तो उसको जहर कहा जाता है उर्फ में। तो वो अगर हो जाए जैसे प्रॉपर आवाज़ निकल रही है तो वो फिर नमाज़ आपकी फासिद हो जाएगी, आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी, यानी जायज़ नहीं होगा इस तरह से करना, वाजिब उल अदा होगी नमाज़ आपकी।